चलो पीछे ऊपर आओ पीछे ऊपर ऊपर पानी पिला दो पानी दे दे एक आदमी उधर हो ले एक आदमी इधर हो ले थाना दादरी क्षेत्र में सेक्टर जू में ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी और स्वाट टीम को मिली थी कि कुछ अपराधी यहां पर बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इस जानकारी पर जब स्वाट टीम प्रभारी शावेज खान अपनी टीम को लेकर तथा थाना दादरी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां पर तीन अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पर तथा एक बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस को आता देख और अपने आप को घिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस पर तत्काल फायरिंग खोल दी। इस फायरिंग का जवाब देते हुए जब पुलिस की ओर से फायरिंग हुई तो एक बदमाश के पैर में दो गोलियां लगी, बाकी दोनों बदमाश जो है स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के भागने में सफल रहे। जब घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो जो बेसिक पूछताछ में बात सामने आई उसने अपना नाम मन्नान उर्फ राशिद बताया, जो कि जनपद बरेली का रहने वाला है। अभी बीते कुछ दिनों पहले थाना जारचा में 65 लाख की लूट हुई थी जिसमें भी वो वांछित था। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। उसके ऊपर अच्छा खासा उसका आपराधिक इतिहास है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण जैसे संगीन वारदातें उसने पहले भी अंजाम दी हैं, जिस संबंध में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में उसके ऊपर दर्ज हैं। बाकी उसको उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके से ही अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, बुलेट गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की है और संदिग्ध है, तथा एक 32 बोर का पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। इसी मुठभेड़ में जो हमारे स्वाट टीम के प्रभारी हैं शावेज, उनके जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है। बाकी फोर्स मौके पर मौजूद है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।